नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सबों को अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहाँ पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ वहां पर मैंने 20 क्वेश्चन बताया था और आपको मैंने बोला था कि आगे हम लोग वहां पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, अगला पार्ट एलसीएम एचसीएफ का है, क्वेश्चन नंबर 21। और जो भी बच्चे आप एसएससी सीजीएल या तो सीसीएसएल या तो सीपीओ का जो भी बच्चे लोग एग्जाम तैयारी करते हैं, आप लोग भी मेंटली एकदम फुली प्रिपेयर रह जाइएगा। पूरा मैं प्लान बना चुका हूँ कि किसमें कितना क्वेश्चन में करवाऊंगा, बस उतना ही क्वेश्चन में पूरी एसएससी सीजीएल का प्री निकलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे लोग कभी नहीं सोचना कि क्वेश्चन टफ आएगा, ये आएगा, मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन प्री का क्वेश्चन टफ नहीं होगा एसएससी सीजीएल्स में। सीसीएसएल, सीपीओ, दिल्ली एसआई, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स है, इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीसीएसएल और दिल्ली एसआई के लिए। उसमें भी प्रत्येक चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल एडवांस रहेगा और जो वहां पे एकदम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के भी वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा। अब आप लोग, कुछ बच्चे लोग जो एडवांस बोल रहे थे, एडवांस का भी मैं पूरा ग्राफ बना दिया हूं कि हमको ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना क्वेश्चन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक में कितना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक नहीं। चलिए, तब आप लोग का पुलिस वुलिस सब गया, अब आप लोग का दिन है बच्चों। सवाल नंबर आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है, चार अंकों में से ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर, जब आप 15 से भाग देंगे या तो 18 से भाग देंगे या तो 21 से भाग देंगे या तो 24 से भाग देंगे, तो इन कंडीशंस में यहां पर 11 शेष बचेगा, यहां पर 14 शेष बचेगा, यहां पर 17 शेष बचेगा और यहां पर जो शेष बचेगा वो 20 बचेगा। एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, वह कौन सी ऐसी बड़ी संख्या होगी जिसको इनसे इनसे और इनसे इनसे भाग दीजिएगा। तो यहां पर 11, 14, 4, 17 और 20, इन हर कंडीशन में देखिए यहां पर डिफरेंस 4 है। अब क्या कीजिए कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा और एलसीएम निकालने के बाद 4 वहां पे हम लोग नॉर्मली घटा देंगे। मैं दोनों चेक करके मैं बताता हूं। तो चलिए सभी बच्चे लोग इनका एलसीएम निकालते हैं। 15, 18, 21, 24 एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अगर यहां पर देखा जाए, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, 5 6 30, 30 और 8, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर 240 होगा, 5 6 120 होगा, सॉरी एक मिनट एकदम गौर से देखेंगे। अगर इसका एलसीएम अगर देखा जाए हम लोग को, 5 6 6 और 8 का एलसीएम 24, 24 और 5 का एलसीएम 120, मतलब 120 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 840 और 840 को मैंने 3 से काटा था, यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2520। अब यहाँ पर यह देखना है कि 2520 से चार अंकों की बड़ी संख्या अगर जाया जाए तो वहां पर इन कंडीशन में देखेंगे बच्चों, 2520 दूसरा बार में जाएंगे 50 40, तीसरा बार में जाएंगे 75 60, चौथा बार में जाएंगे तो वह उससे अधिक हो जाएगा, 4 अंक से अधिक हो जाएगा। तो कहने मतलब इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 75 60, मतलब इन कंडीशन में चारों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 4 5 6 0 होगा, जो 15 18 21 और 24 से भाग लगता है। और जब यहाँ पर 4 शेष बचेगा, 4 हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 5 56 होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, सबसे बढ़िया है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मत समझिएगा कि नहीं, ये भी एसएससी सीजीएल वाले बच्चे लोग बेफिक्र देखे, ये भी एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है, कौन इसमें मतलब कौन डेट में कौन क्वेश्चन पूछा है वो भी सब आपको लगा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 देखिए 2016 में पूछा है, वह सबसे छोटी संख्या जो 5 10 12 15, ये कभी नहीं समझे कि एसएससी सीजीएल में नहीं पूछता, सब एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं कि हम जीडी का तैयारी कर रहे हैं, जीडी ये जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए एक एक सवाल मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 10 12 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि इन कंडीशन में हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 होगा और कहता है वह 7 से भी भाग लगना चाहिए, मतलब 60 के प्लस 2 होगा। जब इसको हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 8 56 होगा, मतलब यहां पर बचेगा 4 के
प्लस टू। अब आप लोगों को मैंने बताया था के का ऐसा मान सोचिए जो उस पर अगर हम लोग रखेंगे तो सात से भागा देंगे तो वह आराम से सात से भागा दे देंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग के की जगह अगर तीन रख दें तो चार तीन बारह और दो चौदह हो जाएगा जो सात से आराम से कटेगा, है कि नहीं। तो आंसर इसका होगा बच्चों साठ गुना तीन प्लस दो, इसका आंसर होगा 182। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहां पर एक ए है कि 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम वह संख्या कौन सी होगी जो तीन चार पांच छ सात आठ में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित होता हो। तो यहां पर हम लोग गौर से देखेंगे, जैसे यहां पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में यह दिया गया है तो तीन चार पांच छ सात और आठ का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो तीन चार पांच छ और आठ का एलसीएम तो 120 होगा, सात यहां पर एक अभाज्य संख्या तो इसका मतलब 840 होगा। अब यहां पे कहता है इन सबों से भाग लगनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन तो 9240 है, इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि यह 1000 से बहुत अधिक हजार के निकटतम में जाएगा। तो हजार के निकटतम में दो संख्या यहां पे है, हजार कभी संभव ही नहीं क्योंकि 840 है, तो 840 से हजार कभी नहीं कट सकता है। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन लेते हैं 10080 को देखते हैं क्योंकि हजार के सबसे अधिक लगभग में यही है। जब इसको हम लोग 840 से काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 बचेगा 4, फिर 12 6 48, 7 से 84 भी कट रहा है। कहने का मतलब है 840 से 10,080 जो है, क्योंकि 10,000 के निकटतम में कह रहा है, 10,000 तो कभी होगा ही नहीं, तो 10,000 के निकटतम में सबसे अधिक जो नजदीक है वहां पर क्या है 10,080 है। हम लोग यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर 9996 ये आपने क्यों नहीं लिया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में यहां पर जीरो है और वह तभी संभव हो सकता है जब यहां पर जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि यह संख्या जीरो से कटेगा नहीं, मतलब 840 से कटेगा ही नहीं, इसलिए यह संख्या नहीं होगा। तो संख्या कौन होगी 10,080 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 10, 15, 20 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली चार अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। अगर 10, 15, 20 से विभाज्य होने वाली संख्या अगर देखा जाए तो वह 60 है, मतलब 60 से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कौन होगा। तो यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, आपके पास यहां पर ऑप्शन है 99990, 9960, 9980, 9995। तो देखिए, नहीं तो वैसे 60 से हमको भागा देना पड़ेगा, कितना तक, चार अंक की बड़ी संख्या तक, ऐसे करना पड़ेगा। 60 से एक बार भागा देंगे फिर होगा 39, फिर यहां देंगे 6 6 36 तो जगह 360, फिर 39 जाएगा, फिर 6 6 39 देंगे फिर 360, मतलब अगर आंसर अगर इसका देखा जाए 99,039, यहां पे 9,999 में 39 घटाएंगे 9960, इसका आंसर ये होगा अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो। लेकिन इसको अगर देख के बनाना है, देखिए हमको 60 से भागा देना है तो जाहिर सी बात है, देखिए 60 से भागा देना सबके लास्ट में ये तो कभी संभव है ही नहीं क्योंकि अगर 60 के लास्ट में अगर जीरो है तो जीरो से तभी कटेगा जब वहां लास्ट में जीरो होगा, ये तो देख के ही कट गया कि भाई तुम तो नहीं हो सकते हो। ठीक है, बात रही यहां पर, ये देखिए 60, एकदम गौर से देखिए, एक मिनट, जीरो से तो जीरो दिमाग से कट गया। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 6 है, देखिए एग्जाम्स में इसी तरीके से आपको बनाना है, 6 है तो 6 से तभी कट सकता है, 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा, और यह कभी 2 से कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में यहां पर विषम संख्या है, मतलब यह भी हमारा नहीं होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अगर देखते हैं तो अगर 60 से भागा देंगे तो एकदम आराम से, 6 से भागा कोई कुछ नहीं देना है, 2 से 6 कट सकता है तो 2 से यह भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 3 से आराम से कटेगा, जिस जो संख्या 6 से विभाज्य है वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तो यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है, जिसका हमारा आंसर 9960 होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग 60 से मान लीजिए भागा दे भी दिए, 60 से भागा दे भी दिए तो 2 से आराम से 6 कटेगा, 2 से भी ये कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह कभी 3 से नहीं कट सकता है,
क्योंकि यहां पर तीन से तीन कट गया, तीन से तीन कट गया, लेकिन आठ तीन से विभाज्य नहीं है, जिस कारण से जब भी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ध्यान से जल्दी करने के लिए हम लोग यहां पर ऑप्शंस को प्रयोग करेंगे, तो हम लोग के लिए थोड़ा बेस्ट होगा। तो एक एक सवाल एकदम सीखिए और बढ़िया से एकदम बेहतर तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, ठीक है कि नहीं। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा पूरा जिम्मेदार मैं लेता हूं, ठीक है। बस थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम्स है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि लाइव में ही आके दो घंटा रोज पढ़ा दूं, क्योंकि उसमें हमें भी आसानी होगी, सबके लिए थोड़ा आसानी होगा, आप लोग को भी जल्दी जल्दी कोर्स मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं, है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 के घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9, 10, 15 में से भाग देने पर 7 शेष बचता हो। मतलब 1936 में जब घटाइएगा तब वह संख्या 9, 10, 15 से भागा देने पर 7 शेष बचता हो। अगर 9, 10, 15 का यहां पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, तो 90 निकलेगा। कितना निकलेगा? 90, 15 छक्का 90, 90 निकलेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, अब 1936 के लगभग में जाना है और कहता है कौन सी संख्या होगी। अगर यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, 90 से अगर कहीं 1936 को अगर हम लोग कहीं भाग देते हैं तो 9 दिन 18, 180 हो जाएगा, बचेगा 3, यहां पे बचेगा 1, ठीक है, 1 खत्म हो गया, 6 यहां देंगे, 90 का 90 छ 13 में 9 जाएगा, बचेगा यहां पे 7। अब यहां पे गौर से देखेंगे बच्चों, अगर नॉर्मली यहां पर यह है कि इससे विभाजित होने वाली संख्या जो है वह वैसे अगर नॉर्मली यहां पर है से भाग देने पर 7 से बचता हो, 1936 से घटाने पर 9 10 15 का एलसीएम हम लोग 90 लिए, ठीक है, 9 दस 90, 90 सही है, 90 से भागा देगा 90 दूनी 180, बचा 13, 6, फिर 90 के 90 76। कहने का मतलब है यहां से विभाजित होने वाली 90 गुना 21 होगी 1890 किसनव निवासिया से, और 7 शेष बचता है, और 7 शेष बचेगा हो जाएगा यहां पे 1897। मतलब 1936 के लगभग में वह ऐसी संख्या जो होगी वह 1897 होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1936 के लगभग में, मतलब 9, 10, 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे, 1897 है। जब 1936 में से हम लोग 97 को घटा देंगे बच्चों, सॉरी 1897 को हम लोग घटा देंगे तो 16 में 7 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है, 16 में 7 जाएगा, बचेगा 9, यहां बचेगा कितना 2, 12 में 9 जाएगा, बचेगा 3। कहने का मतलब है 1936 में से अगर हम लोग 39 को घटा दें, 39 को घटा दें तो यहां पर जो संख्या होगी वो हमको 1897 मिलेगा, जो 9, 10, 15 से विभाज करने पर 7 शेष बचता है, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर हमारा 39 होगा बच्चों। थोड़ा इसको और जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा सा एक दिमाग में एक चीज और लगा सकता हूं, लेकिन चलिए अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। बढ़िया सवाल था, 2016 में एग्जाम्स ने क्वेश्चन इसको पूछा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों हम लोग यहां पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 100 और 200 के बीच कुल ऐसी कितनी संख्या होगी जो 9 और 6 दोनों से विभाज्य हो। 9 और 6 अगर कह रहा है, मतलब 9 एंड 6 कह रहा है, कहने मतलब वह संख्या पक्का 18 से भाग लगेगा, तो 18 तक 90 तक देखिए, 18 बचे 90 होगा, 90 के बाद 108 होगा, 116 होगा, 108, ठीक है, 108 तक जाएगा, फिर अगर 18 जोड़ेंगे डायरेक्ट यहां पर देखिए ना, 8, 18, फिर अगर हम लोग इसमें अगर सॉरी 8, 126, फिर अगर 18 जोड़ेंगे 144, 108, 144, फिर अगर 18 हम लोग जोड़ेंगे तो 162, 180 और 198, ठीक है।
अगर देखा जाए 100 से 200 के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्या होगी जो 9 और 6 से पूर्ण रूप से अगर विभाजित करना है तो वह 108 से चालू होगा, क्योंकि 90 होता है, 90 तो होगा नहीं क्योंकि 100 के बीच में बोला है, 108, 126, 2, 144, 3, 162, ठीक है, फिर 180, फिर 192, पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 18, 6, 78 से, 78, 24 से, 88, 44 से, 98, 68, 68, 82, 83 से, फिर 198 होगा यहाँ पे। मतलब कुल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो इन कंडीशन में इससे भाग लगेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है वो गौर से देखिएगा, 27 नंबर, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्ण विभाजित होता हो। मैं कई बार क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, 12, 15, 18, 27 से पूर्ण रूप से विभाजित करना है। आप लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद वही वाला सिस्टम जो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर कितना में, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने बताया था, सेम उसी तरीके से आप लोग वहां पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन नंबर 27 को फॉलो करेगा, ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, आप लोग बना के खुद से आंसर कमेंट में डाल के चेक कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए कि आपको होमवर्क मिला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और फिर 2, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। देखा जाए इतना सेकंड के अंतराल पे बजती है कि फिर से अगर पुनः एक साथ अगर बजना हो, इनका एलसीएम होता है, एलसीएम हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड को कहते हैं 2 मिनट, कहने का मतलब 2-2 मिनट के अंतराल पर वे सभी घंटियां कितना है, 6 घंटियां एक साथ बजेगी, तो प्रत्येक अगर 2-2 मिनट के अंतराल पे बजेगा तो इन कंडीशन में कहता है 30 मिनट में कितना बार बजेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो जो समय दिया रहेगा और एक साथ बजने का समय, उसको उससे तुरंत भागा दे दीजिएगा और उसमें लास्ट में एक जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 15 + 1 कितना हो जाएगा, ये 16, एक लास्ट में जोड़ा जाता है, जैसे वो खंभा वाला जानते हैं कि नहीं, मान लीजिए 10 मीटर के बीच अगर 5-5 मीटर के अंतराल पर अगर खंभा गाड़ा जाएगा तो वहां पर 2 का आंसर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक यहां है, एक यहां है और एक यहां डालना पड़ेगा, तो जाहिर से इसके बीच का डिस्टेंस 10 है, एक यहां पर एक्स्ट्रा आता है, इसीलिए यहां पर 1 हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किसी के बच्चे में दिमाग में ये चल रहा होगा, है ना। आगे हम लोग सवाल को लेके चलते हैं बच्चों, एक एक सवाल एकदम मजे से पढ़िए और बेहतर तरीके से कीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है बच्चों, ये भी एकदम बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 3000 और 4000 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो। एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, अगर 30, 36 और 80 के बारे में अगर जिक्र करता है, अगर इसको हम लोग काट के थोड़ा छोटा कर लें बच्चों, तो 36 और 30 का एलसीएम तो मुझे 180 लग रहा है, बिल्कुल 36 × 5 = 180 होता है, 30 × 6 = 180 होता है, तो इसका तो एलसीएम भाई 180 निकाल लिया मैंने, और ये बचा यहां पे 80, 20 × 9 = 20, 4 × 9 = 36, हमने काटा था 20 से, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आंसर 720। कहने मतलब 30, 36 और 80 का अगर एलसीएम अगर देखा जाए कितना होगा, 720। एलसीएम निकालने का तरीका मैं कई बार बताऊं, पहले 2 संख्याओं का निकाला 180 और फिर 180 और 80 का निकालेंगे एलसीएम, तो हम लोगों ने यहाँ 20 से काट के छोटा कर लिया, 20 × 9 = 80, 20 × 9 = 4 का एलसीएम होगा 36, 36 को 20 से मैंने काटा था, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 720। ये सब बहुत बेहतर तरीका है, ठीक है 720। अब हमको वहां पर देखना है क्वेश्चन में 720 से कटने वाली संख्या वहां पर कौन लगेगी, 720। अब आप लोग खुद से ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर 720 से भागा देना पड़ेगा, और 720 से ऑप्शन से चेक करके खुद ब खुद कई तरीका है यार, मैं यहां पे बता दूं फिर से एक बार, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन 9690 है, 972 है, 993 है और 9960 है,
आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अगर जीरो से जीरो तो सब है, तो चलो जीरो जीरो हटा दिया हम तीनों में, चारों में जीरो हटा दिया और यहां से भी जीरो हटा दिया। तो यहां पर यह 72 से संख्या जब विभाजित है तो यह भी कह सकते हैं कि यह एक से भागा लगेगा, एक से लगेगा, दो से लगेगा, तीन से लगेगा, चार से लगेगा, छह से लगेगा, आठ से लगेगा, नौ से लगेगा, बारह से लगेगा, चौबीस से लगेगा, छत्तीस से लगेगा, बहत्तर से भी लगेगा, मतलब इन सभी संख्याओं से वहां पर भाग लगेगा। तो सबसे पहला चीज तो ये यहीं पर कैंसिल होगा कि ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह दो से कभी भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में भी सम संख्या है। ये भी यहां पर हो ही नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में यहां पर भी इसका विषम है। देखिए एग्जाम में इसी तरीके फंडा अपनाना पड़ेगा, ये सब यूनिक फंडा बेटा, मजे से पढ़िए, ठीक नहीं, एकदम शिद्दत के साथ सीखिए, एक एक चीज नया चीज सीखेंगे। अब यहां पर ये लग रहा है भाई कि 972 है, लग रहा 996 है। अब यहां पे गौर से देखते हैं। अब एक चीज आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि यह संख्या 972 है तो आप ये भी कह सकते हैं यार ये 9 से भाग लगनी चाहिए, जाहिर सी बात है दिमाग में आएगा ना 9 से भाग लगनी चाहिए, तो ये 9 से भाग लग रहा है, 7 × 2 = 9 से भाग लग रहा है, लेकिन ये दोनों लगने के बाद 6 नहीं लग रहा है, जिस कारण से ये आंसर ना होके यहां पर आंसर होगा 9720। तो एग्जाम्स में इतना लंबा आप नहीं करोगे क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिएगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा ना, 720 आया था, 720 में से चार अंक की बड़ी संख्या 999 को घटाइएगा, मतलब भाग देने के बाद जहां पर जो शेष बचेगा उसी को वहां पे घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 9720। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करें बच्चों, और एक एक चीज को एकदम ध्यान से सीखिए, बहुत मजे से सीखिए, एक एक वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक जरूर पहुंचाइएगा, है ना। बस मैं आप लोगों से यही मांग रहा हूं, ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। और एक एक चैप्टर को पूरी शिद्दत से, हर चैप्टर में यहां पे बहुत धांसु पढ़ा दिया हूं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया हूं अर्थमेटिक। मैं मानता हूं एडवांस अभी नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे लोग परेशान थे कि सर हिंदी क्लास और इंग्लिश क्लास, बच्चे मैं उस दिन भी बताया था कि अभी उनको बंद किया गया, कुछ कारण है, ठीक है। लाइव देखिए आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में यह है कि चार लगातार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर में है, चारों संख्याओं का योग कितना होगा। चार लगातार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है, 2, 3, 4, 5 अगर हम लोग लेते हैं, और कहता है पहली दो संख्याओं का योग चौथी के बराबर में, एकदम बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए 2, 3, 4, 5 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इक्वल टू पक्का 60 होगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर में है। तो कहता है चारों संख्याओं का योग कितना होगा, तो चारों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 होगा, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, मतलब सबों को जोड़ने पर हमारा यहां पर योगफल जो मिलेगा बच्चों वह 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जस्ट अभी मैं 31 दो बार में बता चुका हूं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 7, 8 का से भाग देने पर 3 शेष बचे लेकिन वह 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो। के वाला मैंने बताया था, 6, 7, 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 840 के प्लस 3 होगा, फिर हम लोग को यहां पे 9 से भागा देना, जो हमको यहां पर शेषफल मिलेगा उसमें के का वैल्यू पुट करेंगे, आराम से आप लोग बना लेना, बिल्कुल 1683 इसका आंसर होगा। 2015 ने कई बार इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं, के वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहता हो। मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि अगर यहां पर 2 शेष रहता है तो यहां पर 2 घटा दीजिए, और यहां पर 3 शेष रहता है तो यहां पर 3 घटा दीजिए, और 120 और 240 का अगर यहां पर हम लोग एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों का यहां पे एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ यहां पर 120 आ गया बच्चों, वह संख्या 120 होगी। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर यहां पर हम ऑप्शन से 6 लेते हैं तो 6 × 24 यहां पर एक शेष बचेगा,
यहां पर छह लेंगे, 12 छक 72 एक शेष बचेगा, यहां पर छह लेंगे 16 छक 96 और एक बचेगा। मतलब इन कंडीशंस को डायरेक्टली हम लोग यहां पर ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। जब आप लोगों को ऑप्शंस ना अगर करना हो तो इसको हम लोग अगर बनाना है तो 73 में 25 घटाइए, 97 में 73 को घटाइए और फिर 97 में 25 को घटाइए, और इनको घटाने पर यहां पर जो तीनों संख्याएं प्राप्त होगी उनका मास निकाल दीजिएगा, तो उनका मास जो निकलेगा क्या निकलेगा, 6 ही निकलेगा। इस प्रकार के बेसिक से अगर बनाना हो तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग ध्यान से देखिएगा। चार लगातार अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें से पहले तीन का गुणनफल ए बी सी का अगर दिया गया 385 है, और अंतिम के तीन, अंतिम अगर हम लोग लेते हैं यहां पे बी गुना सी गुना डी, अंतिम का तीन अगर यहां पर 1001 लेंगे, यहां पर सभी बच्चे लोग मैं बता देता हूं, प्रथम अगर तीन अगर हम लोग यहां पर लेंगे तो ए बी सी होगा जो 385 होगा, अंतिम से अगर हम लोग तीन लेंगे तो बी सी डी होगा। तो इन कंडीशन में सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए सॉरी यहां पर बी सी दोनों में कॉमन है, यहां पर बी सी दोनों में कॉमन है, अगर इन दोनों का एच सी एफ निकाल लीजिएगा तो बी सी बराबर होगा इनका एच सी एफ, क्या होगा एच सी एफ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना बच्चों। और एच सी एफ निकालने के बाद सवाल में कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एच सी एफ जो निकलेगा वो यहां पर पुट कर दीजिएगा, कहने मतलब एच सी एफ जो निकलेगा यहां पर पुट कर दीजिएगा, एच सी एफ गुने डी बराबर होगा 1001। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, देखो बच्चों अगर आप लोग अभी तक ये सब चीज में सब कुछ पढ़ा दिया हो, अब ये या नहीं कि 385 और 1001 का हम निकालें, तो आप लोग निकालिए बेहतर तरीके से सीखिए। अब जितना भी यहां पे क्वेश्चन दूंगा मैं सब अपने से करना होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 46 तक है, जो क्वेश्चन मेरे लायक होगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, एक एक सवाल और एकदम पूरा एकदम आप लोग बेहतर तरीके से जितना भी है सब लोग पीडीएफ वीडीएफ जो मैं भेज देता हूं आप लोग सब लोग बनाइए बेहतर तरीके से। आप लोगों को मैं बता रहा हूं फरवरी में बुक आएगी अपनी, फरवरी तक अपनी बुक आएगी, ऑनलाइन बुक मिलेगी आपको जिसे हम लोग ई बुक कहते हैं, मोबाइल में ही आपका पूरा किताब रहेगा बच्चों। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, 15,000 से कम हुआ बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 16 और 18 दोनों से विभाज्य है, आपको क्या करना है, 16 और 18 से कटने वाली संख्या, ये 2016 में पूछा गया था, आप लोग इसको कैसे निकालोगे एलसीएम, 144 होगा, कैसे निकालें 144, दो से काटेंगे 2 8 16 2 9 18, 8 और 9 का एलसीएम होगा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 144। अब कहता है 1500 से कम, 1500 से कम अगर देखा जाए यहां पर हम लोग 1500 लेंगे तो 1440 होगा, यार देखने से लग रहा है 1440 होगा, ठीक नहीं, अगर ये है तो अगर 10 बार अगर चलाएंगे कितना जाएगा 1440, 1500 से कम अगर हुआ है जो 16 और 18 से विभाज्य है तो 1440 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तीन संख्याओं के बीच का अनुपात 2x 3x और 4x दिया गया है, तो यहां पे इनका एच सी एफ हम लोग लेंगे तो एच सी एफ जो होगा वह x होगा, x इक्वल टू अगर 12 दिया गया है, क्वेश्चन कहता है इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2 3 4x का एलसीएम होगा 12x, और 12 × 12 इक्वल टू इसका आंसर होगा 144, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यह दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर उनके योगफल का 1/9 है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 45 है और उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, अगर एक हम 20 और दूसरा अगर 25 ले लें तो दोनों को जोड़ेंगे 45 होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 5 होगा, और 5 जो है वो 45 का 1/9 बिल्कुल है, ध्यान से देखिएगा 9 × 45 है ना, तो कहता है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 20 और 25 का इन कंडीशन में यहां पर एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, तो 20 और 25 का जो एलसीएम होगा बच्चों 100 होगा, ठीक है। एक एक सवाल दे जिससे देखिए जो सटीक है, 38 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्या का मासा और लासा का योग, मासा और लासा का योग,
मासा प्लस लासा बराबर यहां पर दिया गया क्वेश्चन में 680 और कहता है लासा मासा का 84 गुना है। अगर मासा x लेंगे तो लासा यहां पर 84x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 680। कहने का मतलब 85x बराबर यहां पर 680 हो जाएगा बच्चों। अब 17 × 85 = 68 = 40, 5x बराबर 40 दिया गया, x इक्वल टू होगा कितना 8, x बराबर कितना होगा बच्चों 8। जब x बराबर 8 होगा तो मासा हमारा हो जाएगा 8 और लासा हो जाएगा 84 × 8। अब सवाल में कहता है इनमें से अगर एक संख्या 56 दी गई है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि मासा गुना लासा होगा, मासा 8 होगा लासा 84 × 8 होगा। अगर एक संख्या 56 दिया गया है तो दूसरी क्या संख्या क्या होगी, तो आप लोग एकदम इतना भी आसान अगर नहीं कैलकुलेशंस कर पाएंगे तो समझिए पढ़ना बेकार है। काटिए, काट के आंसर खुद से लाइए, ऑप्शन देखिए वहां पे दिया गया है। अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, चलिए धीरे धीरे सब कुछ बेस्ट होगा, हम लोग भी बोर्ड लगाएंगे, बहुत सारे चैनल वाले ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा लिया है, हम लोग भी लगाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ सुधरेगा। सबसे पहले लाइफ जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूं लाइफ में जब आऊंगा मैं कमेंट उमेंट नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन में बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने यहां पर एक स्पेशल वीडियो भी बताया था, ठीक है, जो 26 जनवरी के दिन गया था वहां पे सब कुछ मैं बताया हूं, क्योंकि एक भी पॉइंट हम कभी भी हम गप उप करने वाला सिस्टम्स नहीं रखेंगे, जो भी है क्वेश्चंस आऊंगा बस बंदा एक घंटा ही क्लास चलेगी, एक घंटा कंटिन्यू मैं ही पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन आपको पीडीएफ वहां पे पढ़ा रहेगा, आप उसको बनाइएगा, दूसरे दिन जो जो क्वेश्चन अगर एक एक सीरियल वाइज जो जो क्वेश्चन होगा आप लोग वहां पे बेहतर तरीके से हम पूछ लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन है, 5 मिनट में जो जो क्वेश्चन आप बताइएगा एक एक क्वेश्चन को हल कराना चालू करेंगे, लेकिन ये मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लैप्सिंग वाला सिस्टम मेरे साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है हम लोगों को भी। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्या का मासा तथा उनका गुणनफल, दो संख्या का मासा तथा उनका गुणनफल 6300 दिया गया है। अगर मासा यहां पर दिया गया 15 बच्चों, तो एक संख्या 15x होगी और दूसरी संख्या 15y होगा, और 15x × 15y इक्वल टू यहां पर दिया गया है 6300, 15 × 60, 15 × 60 एकदम, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, 3 बचेगा, फिर 15 × 30 420 होगा, फिर 15 से काटेंगे, 15 × 30 15 × 120, x गुना वाई बराबर 28। कहता इस प्रकार के कितने युग्म संभव है, तो a गुना 28 संभव है, 2 × 14 भी है, 4 × 7 भी है, 7 × 4 भी है, और कोई संभव है नहीं, तो इन कंडीशन में 2, 4 नहीं होगा, मैंने पिछले आपको बताया था क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह को प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या की जोड़े होंगे तभी वह संख्या बनना संभव है, तो इन कंडीशन में 1 28 है, एक जोड़ा यहां पर बनेगा और दूसरा जोड़ा यहां पर बनेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर आगे इसका आंसर होगा 2 जोड़ा संभव है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, दो संख्याओं का मासा दिया गया है 23, मासा मतलब HCF, HCF अगर 23 दिया गया है और उनके लासा तथा अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, एक 13 है एक 14 है, अगर यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन होगी, इनके ये गुणनखंड है जो यहां पर x और y माने थे ना, तो x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 14 है, तो इन कंडीशन में जब बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी तो बड़ी गुणनखंड को लेंगे, तो 23 × 14 हम लोग करेंगे, तो 23 × 14 करने पर शायद आपका आंसर आएगा 322, क्योंकि 4 × 12 होगा, तो ऑप्शन में देख के कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 322 आंसर आ गया। आगे हम लोग सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, ऐसे लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 से भाग देने पर, जब 5 से भाग दीजिएगा 2 शेष बचेगा, 7 से भाग दीजिएगा 4 शेष बचेगा, 11 से भाग दीजिएगा 8 शेष बचेगा, और 13 से भाग दीजिएगा 10 शेष बचेगा। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया है
जस्ट इसका एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद प्रत्येक का डिफरेंस यहां तीन है, देखिए 5-2 के बीच का डिफरेंस 3, 7-4 के बीच का डिफरेंस 11-8 के बीच का डिफरेंस 3, 13-10 के बीच का डिफरेंस 3। और ऑल कंडीशंस में अगर डिफरेंस यहां पर समान है, एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डायरेक्टली घटा देंगे बच्चों, जो वहां पे होगा हम लोग का वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा। सो एक एक चीज एकदम गौर से एकदम देख के पढ़िए, एक एक चीज बहुत बढ़िया से सीखिए, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या है वो हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है। अगर एक संख्या 12x होगा दूसरा संख्या 12y होगी और उनका गुणनफल 2160 दिया गया है। इस प्रकार के जोड़े कितने संभव है, जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन अभी बताया यहां पे, क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर में जैसे बताया था एकदम सेम उसी तरह 42 बनेगा, तो आप लोग खुद से आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 43, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। और जो पहला पार्ट वीडियो नहीं देखे तो जरूर उसको जाके देखिए, वहीं से कॉन्सेप्ट ये है। अगला सवाल यहां पर ये दिया गया 43, यदि पी के बराबर में 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 10 गुने 5 हो और यदि क्यू इक्वल टू 2 का पावर 5 गुने 3 गुने अगर 7 है, इन कंडीशन में कहता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन सबसे छोटा हो, जैसे 2 का पावर 3 यहां पर होगा और यहां पर 3, यहां पर 1 है, यहां पर 3 का पावर 10 है, मतलब 3 एक बार होगा, 5-7 दोनों में, तो एचसीएफ ये होगा। जब यहीं पर एलसीएम अगर मान लीजिए निकालने के लिए कह देता तो सबसे बड़ी जो पावर होती वही लेते 2 का पावर 5 फिर 3 का पावर 10 5 और 7 जो दोनों नहीं होता वो भी हम लोग यहां पर ऐड करेंगे 5-7। एलसीएम अगर निकालने कहेगा तो हम लोग इन कंडीशन में एलसीएम हम लोग ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ए गुना बी गुना सी बराबर 385 दिया गया है और अंतिम से बी गुना सी गुना डी बराबर अगर 1001 दिया गया है। अभी जस्ट एक पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों कंडीशन यहां पर बी सी और बी सी जो होगा वह एच सी एफ होगा, इनका आप लोग बी सी निकाल लीजिएगा। और इसमें पहली संख्या निकालने के लिए, वहां बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा गया था, तो यहां पर ए पुट कर देंगे, ए गुना एच सी एफ इक्वल टू 385 होगा, तो एच सी एफ का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा तो वहां पर ए का मान आपका निकल जाएगा। अगला सवाल यहां पर यह है, दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या क्या होगी। अगर 75 और 125 के बीच स्थित हो तो देखिए यहां पे कि 13 से कटने वाली संख्या जो होगी, दो संख्या का मासा 13 है और एलसीएम 455 है, मासा 13 है और एलसीएम 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी होगी। अगर यहां पर देखा जाए 78 तो कभी नॉर्मली अगर हम लोग देखें, एक संख्या दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है, अगर एच सी एफ इक्वल टू 13 दिया गया है और एलसीएम इक्वल टू यहां पर 455 दिया गया है, तो इन कंडीशन में एक संख्या हम लोग 13x लेंगे, दूसरा संख्या 13y लेंगे और यहां पर हम लोग एच सी एफ गुना एलसीएम कर देंगे 455, तो 13 से 13 खत्म हो जाएगा, 39, ठीक है, यहां पे बचेगा 6, फिर 13 5 65, 35 को 1 गुना 35 हम लोग कर सकते हैं और फिर हम लोग यहां पे 5 गुना 7 करेंगे, तो 13 5 1 65 होगा बच्चों, एक यहां पे 78 होगा और यहां पर पुट करेंगे तो 13 होगा और दूसरी जो होगी 35 गुना 13 होगा। इन कंडीशन में यहां पर तो क्वेश्चन कह रहा है कि 75 और 125 के बीच होनी चाहिए, एक बार यह जोड़ा बनेगा और एक बार यह जोड़ा बनेगा, इस जोड़े में से 75 के बीच और 125 के बीच 78 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 78 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा बच्चों, जितना क्वेश्चंस मैं दिया हूं एसएससी जीडी या तो जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स मैं यहां पे बता रहा हूं, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और जब एसएससी सीजीएल्स का हम लोग एग्जाम्स देंगे तो उसके लिए भी स्पेशल्स में वीडियो में लेकर आऊंगा, तो आप लोग वहां पर एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वहां पर केवल हम लोग एडवांस क्वेश्चन, बड़े बड़े सवाल पर हम लोग वहां पर डीलिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है वो हम लोग गौर से देखेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों को लघुत्तम समापवर्तक, दो धनात्मक पूर्णांकों को लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का मात्रा का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है, एलसीएम जो है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है, एक्स वाई है, ठीक है, और उनमें से छोटी संख्या दोनों पूर्णांकों के मात्रा, उनमें से जो छोटी संख्या होगी वाई, जो मान लो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या और इनके एचसीएफ के बीच का जो डिफरेंस होगा वह यहां पर 4 होगा, तो छोटी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या का दुगुना है। अगर मैं एक बार अगर ऑप्शंस ले लूं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर कोई भी ऑप्शंस अगर हम लोग ले लें तो इनका जीसीडी का अंतर भी 4 है। अगर एक हम लोग 12 ले लें और एक 8 ले लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 और 8 का एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा बच्चों, एकदम बिल्कुल आ गया। 8 में 4 को घटाइएगा 4 मिलेगा, और 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, जो 12 का जस्ट यहाँ पे दुगुना है। तो छोटी संख्या पे कौन होगी, तो छोटी संख्या का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 8। जैसे हमने दो संख्या लिया बच्चों, एक बार फिर से मैं बता दूं, एक 12 लिया और एक 8 लिया, इनका एलसीएम हो जाएगा 24 और एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 4। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 4 है, और ये जो है इसका जस्ट ही मल्टीप्लाई दुगुना है, इसका आंसर सही होगा। एक एक सवाल आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं, ठीक है, और बाकी जो भी लेसन यहाँ पे है छूटा हुआ है आपको मैं अनअकैडमी पे भी पूरा कर दे रहा हूं। तो चलिए अगले पार्ट हम लोग यहाँ पर और नया चीज लेके आएंगे, तो उसके लिए आप लोग सभी बच्चे लोग वेट करें। आज के लिए बस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।